देवियों सजनों, देखिए इस फिनाले वीक में हमारा ये प्रयत्न रहा है कि सभी देशवासियों को भारत के विभिन्न रंगों से परिचित करवाया जाए, और आज जिस रंग से हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं उसे रंगीन बनाया है आप सबके निरंतर उत्साह और प्रेम ने। और देवियों सजनों, उस रंग का नाम है हिंदी सिनेमा। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सिनेमा का दौर बदलता गया है, कलाकार बदलते गए हैं, फिल्म बनाने की तकनीकें बदल गई हैं, लेकिन अगर कुछ बदला नहीं है तो वो है आप सभी का हमारे सिनेमा के प्रति प्रेम। घर बैठे दादाजी कहते हैं हमारे दौर के गाने सबसे लाजवाब थे, पिताजी कहते हैं अरे वो बात छोड़ो, हमारे दौर के कलाकार सबसे बेहतरीन थे, और बेटा जी यानी कि आज के दौर की जो नौजवान पीढ़ी है वो कहते हैं यो बेबी क्या पिक्चर बनाई है। तो देवियों सजनों, आज इस मन पर कुछ ऐसे कलाकार आने वाले हैं जिन्होंने इस कहानी को बरकरार रखा है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नई पीढ़ी के सुपरस्टार्स, नेशनल अवार्ड विनर विकी कौशल, और लगातार हिट फिल्मों को देख करके जिन्होंने योग की परिभाषा ही बदल दी है, कियारा आडवाणी। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। कियारा आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सर। आज ही नहीं, पहले दिन से जब से आपको देखा है तब से हम कह रहे हैं। और विकी क्या बात करें आपकी, सर मैं बता नहीं सकता हूँ, इतने सुंदर फिल्मों में आपने काम किया है और कैसा कैसा आपने अलग अलग प्रकार का अभिनय किया है, रियली सो प्रेज़वर्दी। थैंक यू सो मच विकी। थैंक यू। क्या विकी ये शायद पहला अवसर है जब आप KBC पे आ रहे हैं? जी सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम? यस सर। ओके, सो कैसा लग रहा है? सर बहुत जोरदार ताली बजी थी आपके लिए, अब अच्छा ही बोलिएगा हमारे लिए। सर ये मेरे लिए ना, एंड आई एम श्योर फॉर कियारा आल्सो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। बताइए। सच में सर, हम सर एक मिनट ठहर जाए। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जी सर। जितने 22 साल से कर रहा हूँ मैं ये कार्यक्रम, जितने भी कंटेस्टेंट वहाँ आते हैं वो यही बोलते हैं जैसे ही बैठते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे, सर आप पहली बार आए हैं कैसा लग रहा है आपको? सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे पसीने छूट रहे हैं सर, मेरे जितना कुछ याद करके मैं आया था मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सर ये सच है। आपके सामने बैठ लिया है सर, मेरे लिए तो करोड़पति। मैं सर ये सब बोलने की नहीं, बड़ी पढ़ाई चीजें है विकी, ऐसे नहीं बोलने का। सर आपने कहा आप 22 साल से कर रहे हैं, सर मेरी उम्र 34 है, तो जब मैं 12 साल का था तब से मैं ये शो देख रहा हूँ और यहाँ बैठने का एक सपना देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच विकी। सर ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ स्क्रीन्स पे हम नहीं देखते, बट आई थिंक इवन घर पे हम खुद खेलते हैं। तो आज ऐसा लग, मींस यू नो व्हाई वी ट्राइंग टू गेस द आंसर्स अलोंग विद द कंटेस्टेंट्स, तो आज सच में ऐसा लग रहा है सब, मतलब मैं आज जब मैं उठी और यहाँ आ रही थी तो होल कार जर्नी एक ही ना, लेकिन जैसे यहाँ पहुंची वो जो आपका वो क्लॉक टन 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 टन, तो आपका जो सारा BGM है इस शो का, It's been my BGM for the whole day. My goodness. पूरी दिन में यही। सर हम पर बहुत नर्वस भी हैं। अच्छा। बहुत नर्वस हैं क्योंकि हम एक्चुअली जब यहाँ आ रहे थे ये डायलॉग भी बोलते हैं सब वहीं बैठे। नहीं पर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। अच्छा जी।
जब हम आ रहे थे तो मुझे कियारा का फोन आया और मैं रास्ते में ही था और हम दोनों ने शेयर किया कि हमारा पहला डर था यार 10,000 से पहले तो नहीं आउट हो जाएंगे क्योंकि मेरे साथ सर बहुत बार हो चुका है जब घर पे बैठ के मैं मम्मी पापा के साथ ये शो देखता हूँ और कई बार आंसर घर पे बैठे बड़ा आसान होता है आंसर देना तो जब आंसर देते हैं तो कई बार मैं 5,000 पे हो चुका हूँ really? तो मुझे तब लगता था जिस दिन मैं बैठूंगा तब ऐसा कुछ ना हो जाए तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है। नहीं बिल्कुल आप डर को दूर कर दीजिए, बहुत अच्छा खेलेंगे आप मुझे मालूम है। प्लीज रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, ये ऐसे ऐसे प्रश्न डालेंगे आपके सामने कि 5,000 से ज्यादा तो पहुंच ही जाएंगे। इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं, तो खेल की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र संजो, गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, केवल आपका ध्यान जो है वो हम लाना चाहेंगे जो हमारी लाइफलाइंस हैं तीन जी। ओके, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, और क्योंकि ये एक विशेष कार्यक्रम है, हमारा स्पेशल फिनाले वीक है और हम लोग तब तक खेलते जाएंगे जब तक यहाँ पर एक भयंकर किस्म का हुटर नहीं मचता। हुटर नहीं मचे। सब लोग जो आते हैं वो डर जाते हैं उसको, तो मैं भी सर 22 साल से डरता आ रहा हूँ और ये हुटर जब तक नहीं बजेगा तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। ओके, ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यार एंड ऑल द बेस्ट विकी। जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे यहाँ से वो एक किसी कॉज के लिए आप चैरिटी में देंगे, तो आज का कॉज क्या होगा? अवनी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर जो कोल्हापुर। क्या नाम बताया आपने? अवनी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ओके जी सर। ये कोल्हापुर में है, आई थिंक 27 साल से चाइल्ड वेलफेयर, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज पे काम कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज हम खेल रहे हैं। ओके, वेरी गुड कॉज, थैंक यू सो मच। रेडी किया रहा विकी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्रसाधन उत्पाद ग्लिटर मैट, फ्रेंच मैनिक्योर और चिप रेजिस्टेंट जैसी किस्मों में आता है? Which of these cosmetic products comes in varieties like glitter, matte, French manicure and chip resistant? Option suniye: A. Eyeliner, B. Mascara, C. Lipstick, D. Nail polish. Sir, D. Nail polish ko lock kiya jaye. Lock kiya jaye? D pe thala lagane ke liye keh rahi hai Kiara. Bilkul sahi jawab diya aapne. 1000 jeet gaya aapne. और हाँ, मैं सोचता था कि हमारे ज्ञाननाथ जी, इनके पास सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन इसके बारे में आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। सर मैं अकेला होता तो इसी पे लाइफलाइन हो जाती मेरी पहली। ऑलराइट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं विकी, 1,000 रुपए हो गए हैं जी। ओके, दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई में इनमें से किनके नाम मस्जिद, चर्च गेट और राम मंदिर है? In Mumbai, which of these would you find named Masjid, Churchgate and Ram Mandir? Option suniye: A. Harbors, B. Airports, C. Railway stations or is it D. Forts? Railway stations? C. Railway stations. Bandarga, Hawaii Adda, Railway station ya Kila? Sir, C. Railway stations. C. Railway station? All right. Ji, sir. Aapko kehna padega, please lock C. Please lock C. Railway station. C pe thala lagaya jaye. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चर्चगेट और राम मंदिर वेस्टर्न लाइन पर है जी, और मस्जिद जो है वो सेंट्रल लाइन पर है, रेलवे स्टेशन। ऑल एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाबी व्यंजनों में इनमें से कौन सा शब्द हरी पत्तेदार सब्जियों से बनी सब्जी को दर्शाता है? In Punjabi cuisine, which of these terms refers to a stew or curry made from green leafy vegetables? Option suniye: A. Chhach, B. Raita, C. Biryani, D. Saag. Sir, D. Saag. Saag, laga de tala. Bilkul sir. Sir, bolna padega aapko. Lock kar dijiye. Lock kar dijiye. D pe, Saag pe, tala lagaya jaye. Bilkul sahi jawab diya aapne. 3,000 rupees jeet liye aapne.
सर अब तो सीजन भी चल रहा है। बोलते हैं सरसों का साग दे मक्के की रोटी। सर सीजन चल रहा है साग का। अरे बिल्कुल सही कहा आपने जी। और ये सरसों का साग और प्रसिद्ध है व्यंजन, और सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, मक्की की रोटी और घर का मक्खन। अरे सर क्या बात है, मैं बता नहीं सकता हूँ। कितना भी खाओ कभी पेट भरता नहीं इससे सर। अच्छा खाने की बात हो रही है क्यारा जी और आपको, आप दोनों को देख करके क्या किस किस्म का डाइट करना पड़ता होगा आपको कि आप इतने दुबले पतले कैसे फिट और फर्म दिखते हैं? कौन पहले जवाब देगा? सो ऑनेस्टली मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। और अच्छा एक्चुअली नहीं, अच्छा एक बात बता दें आपको, एक गर्म कुर्सी पर आकर के झूठ बोलना अलाउड नहीं है। बहुत सही कहा, बिल्कुल किसी भी चीज को बैलेंस्ड यू नो प्रोपोर्शंस में खाए और सब कुछ खाए, मतलब मीठा भी अपना जो घर पे अच्छा। पाजी बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसे तराजू में नापना पड़ता है? मतलब इतना भी नहीं कि मतलब पेट भरे नियत नहीं भरी, वो वाला नहीं, बट जो होता है घर पे भी यू नो वी कीप, मतलब खाने के बाद भी स्टिल की चलो एक और सर्विंग एक और सर्विंग, तो वो करना मैंने बंद किया है। पर मैं सब कुछ खाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस डाइट खाए कोई तो इस तरह के सर पंजाबियों में ना। हाँ सर बिल्कुल, बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम मंगाते हैं छोले भटूरे पर कोल्ड ड्रिंक्स डाइट लेके आना। तो अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक डाइट हो जाती है तो हमें लगता है सब कुछ बैलेंस्ड है। बाकी सर मुझे ना एक बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा वजन नहीं बढ़ता सर, मुझे वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सर बर्गर पिज्जे खा के वजन घटा सकता हूँ। पर वजन बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं आप? फिर सर बहुत बोरिंग सा खाना खाना पड़ता है। जैसे? जैसे कि मतलब सब कुछ ग्रिल खाना है बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए और मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खाना है, पर मुझे वर्कआउट करना पड़ता है बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। लोग जिम जाते हैं वजन घटाने के लिए, मुझे जिम जाना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए। सर ये तो उल्टी बात हो गई एकदम सर, पर पंजाबियों के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो एनी ऑफ यू कुक विकी? सर मेरा किचन से बहुत बुरा नाता है। अच्छा ओके। मैं सर मैंने जो एक चीज जो सीखी थी वो थी चाय बनाना, क्योंकि हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि अरे यार मेरी कोई लड़की होती तो मुझे चाय पिलाती। मैंने कहा यार ये तो कोई लड़का भी पिला सकता है। yeah. तो फिर मैंने चाय बनानी सीखी और मुझे चाय आती थी। और जब ये लॉकडाउन हुआ तब मैंने थोड़ा सा अंडे बनाना सीखा, बस बाकी मेरा बिल्कुल सर नाता बहुत खराब है। ओके क्यारा एंड विकी, अगला प्रश्न, और ये 5,000 का प्रश्न है भाई साहब। आप कह रहे थे कि आप हार जाते हैं वहां पर आकर के, देखते हैं क्या होता है परिणाम। अच्छा क्यारा एंड विकी, ये एक इमेज प्रश्न है। ओके हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये है चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इस वस्तु का उपयोग किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किया जाता है? This equipment is used to play which instrument? तस्वीर दिखाई जाए। Yes, देख लिया जी। ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए ड्रम्स, बी गिटार, सी ट्रम्पेट, डी फ्लूट। ड्रम्स, गिटार, तुरही या बांसुरी? सब बी गिटार को लॉक किया जाए। बी गिटार पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5,000 हो गए विकी। सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ विकी के बारे में। ये बहुत कूल डूड लगता है, बट एक और साइड भी है विकी का। ये बहुत अच्छी तरीके से वीणा प्ले करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी हमें यू प्ले द वीणा, यू प्ले जी सर। सर हाँ सीखा है सर। बीच में एक मैं प्रोजेक्ट करने वाला था जिसमें मेरे किरदार को वीणा प्ले करना था, तो मैं कुछ 6 महीने सीख रहा था सरस्वती वीणा। तो कुछ 6 महीने में जितना सीख पाया था मैंने सीखा था। फिर कोविड हो गया था, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग रुक गई, पर थोड़े से बेसिक्स, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था वीणा के साथ। तो अभी भी समय नहीं, अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम बैक ताकि मैं फिर से कंटिन्यू कर सकूँ। डू वी हैव समथिंग वेयर वी कैन शो विकी? Very nice.
वो तो विकी, ये तो शायद आप ही की फिल्म का एक गाना भी है ना ये? ये सर राजी फिल्म का ए वतन गाना था। हाँ जी। यस सर, ये बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है वीणा। बहुत सर। और सब लोग समझते हैं कि बड़ा आसान लग रहा है, बट ये बहुत मुश्किल है सर। बड़ा मुश्किल था सर, ये उंगलियां बिल्कुल छिल जाती हैं। जी छिल जाती है। जी काली हो जाती है सर, क्योंकि वो बजाना पड़ता है ना, वैसे तार के ऊपर ले जाना पड़ता है। कह रहे जी आपने इनको कूल डूड बोल दिया, थोड़ा बहुत बाजा वाजा हम भी बुलाते, आपने कभी हमको डूड तो आप कूल लिस्ट है, हमको कूल डूड आपने कभी बोला नहीं। आप कूल लिस्ट है, आप गाते भी बहुत अच्छे। नहीं नहीं गाता तो कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल गाते हो सर आप? थोड़ा सा। बिल्कुल गाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गाता हूँ मैं सर। एक सर प्लीज आपको बता दूं, इतनी खूबसूरत मशीन बनी हुई है आजकल, इधर से बेसुरा गाओ उधर से सुर में निकलता है। सीरियसली यार चलेंगे, दीज आर वॉइस मशीन। सर एक ऐसे ही सर, एक छोटा सा यंत्र मेरे पास भी है, उस पर यदा कदा कभी कुछ उंगली हम फेरते रहते हैं। तो एक दिन हमने, हमारे जो डायरेक्टर हैं बाल्की साहब, आर बाल्की, उनकी एक फिल्म आई थी चुप जी, तो उसमें हमको बहुत अच्छी लगी और हमको लगा कि ऐसे ही एक दिन बैठे बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ऐसे ही कुछ उंगलियां फेर दी। उन्होंने कहा यार ये मुझे चाहिए, तो सर वो ले गए हैं वो। उन्होंने चुप फिल्म अगर आपने देखी होगी उसके क्रेडिट टाइटल्स में जो धुन बज रही है, करेक्ट, वो सर मेरी है। Really? Okay, चलो सुना देते हैं आपको। Please. इनको सुना, हमारी भी सुनिए ना, ऐसी भी क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने ही मुंह में मिठू हो रहा है हम। सही कहा कि यार सर कूलेस्ट हूं। ऑलराइट विकी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। कई बार हमने देखा है कि जैसा आप कह भी रहे थे कि जितनी फिल्में आप करते हैं वो दे आर बेस्ड आइदर ऑन इंसिडेंट्स और या किसी एक सच्ची घटना हो, जैसे कि सरदार उधम पुरी, राजी फिल्म जी। क्या वजह है कि आप एक तो इस तरह की फिल्में स्वीकार करते हैं और फिर अपने आप को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं उन फिल्मों के लिए? सर पहले तो एक एक्टर होने से पहले मैं खुद एक ऑडियंस हूँ जिन्हें फिल्में देखना पसंद है, तो मैं खुद भी वो फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ जिसमें मुझे कुछ अपने देश के बारे में या कुछ हस्तियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले एंटरटेनमेंट के साथ। तो फिर मैं फिर ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करता हूँ, फिर होता है कि चलो यार ये करते हैं, मैं कुछ सीखूंगा और प्रोसेस में मज़ा आएगा, तो बस मैं फिर वो कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। जब हम शूटिंग पे जाते हैं उससे पहले कोशिश करता हूँ कि लगभग रोज़ मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठूँ, अपने राइटर के साथ बैठूँ कि उन्होंने क्या सोच के ये कहानी लिखी, क्योंकि स्क्रिप्ट लेवल पर भी बिल्कुल कई चीज़ें, 100 पन्नों की स्क्रिप्ट होती है पर 200 पन्ने उन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं कि ये ही हम दिखाएंगे, तो वो कैसे वो उस पर पहुंचे कि हम ये दिखाना चाहते हैं और उनका विजन क्या है। तो कोशिश करता हूँ वो जितना समझ सकूं। और जो आपने नाम लिए, उरी में एक अलग अप्रोच था क्योंकि वो एक कमांडो का रोल था जी। हाँ जी। तो उसमें ज्यादा फिजिकल था कि एक उन एक, एक कमांडो की तरह दिखना था। आपने ट्रेनिंग की थी कमांडो की? जी सर, कुछ आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग थी। रियली? जी सर, जिसमें लगभग मतलब दिन में 3-4 घंटे एक आर्मी ट्रेनिंग होती थी हमारी बकायदा। उसमें भी जो आखिरी दिन था उन्होंने कहा था कि हम इनको आर्मी वाली वार्मअप कराते हैं, तो हमने कहा था अब 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा 10-20% आर्मी वाले तो बन ही गए, आ जाओ वार्मअप करेंगे। तो सर उनमें से ही एक थे, आई थिंक उनकी एज कुछ 45 होगी, जो हमारा वार्मअप करवा रहे थे और कर भी रहे थे हमारे साथ। 10 मिनट का वार्मअप था जिसके एंड में हम में से एक उल्टी कर रहा था, एक ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था और एक कह रहा था मुझे फिल्म नहीं करनी। तो हमें उस दिन रियलाइज हुआ था कि हम जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, आर्मी जैसा एक रोल निभाना अपने आप में मुश्किल होता है, पर आर्मी बनना, वो होना, वो एक बिल्कुल दे आर द ट्रू हीरोज। एब्सोल्युटली सो गुड। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए का। देखिए 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव,
10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जिसे आप स्पॉटिफाई जैसे ऐप पर सुन सकते हैं? राइट, विच ऑफ दीज इज अ मीडियम ऑफ मैस कम्युनिकेशन दैट यू कैन लिसन टू ऑन एप्स लाइक स्पॉटिफाई? ऑप्शन सुनिए, ए पॉडकास्ट, बी सिनेमा, सी टेलीविजन, डी न्यूज़पेपर। सर ए पॉडकास्ट को लॉक किया जाए। पॉडकास्ट, सिनेमा, टेलीविजन या समाचार पत्र, आप क्या करें? ए पॉडकास्ट। ए पॉडकास्ट पे ताला लगाया जाए। वेल डन, क्या इज़ द राइट आंसर? वेल डन, 5 प्रश्न हो गए, 10,000 जीत लिए आपने। एक पॉडकास्ट सीरीज में आमतौर पर किसी विशेष विषय के बारे में चर्चा होती है जिसमें एक या उसके अधिक होस्ट होते हैं और कुछ पॉडकास्ट काल्पनिक कहानियों के बारे में भी होते हैं। तो बहुत सा पता नहीं आप पॉडकास्ट करते हैं कि नहीं। मैं आपकी ग्रैंड डॉटर नव्या की पॉडकास्ट भी कभी कभी सुनती हूँ। व्हाट द हेल नव्या, इट्स अ रियली फन पॉडकास्ट जहाँ पे आपके तीन महिलाएं हैं हमारे परिवार की, जया है मेरी बेटी, उनकी बेटी श्वेता और श्वेता की बेटी नव्या, ये तीनों आपस में बात करते हैं और बहुत रिलेटेबल पॉडकास्ट है, तो कभी कभार वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वाह, ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है भाई साहब, 5,000 से ज्यादा पहुंच गए आप विकी। ऑलराइट सर, एक्टिंग का मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक्टिंग का? जी, जब मैंने शुरुआत की थी सर, तब मैंने थिएटर भी थोड़ा सा किया था, 3-4 साल थिएटर एक्सप्लोर किया था, तो उसमें हम एक एक्सरसाइज किया करते थे आपस में दोस्त यार, जिसमें ना हम आपके डायलॉग्स लेते थे, हमारे डायलॉग्स, जी हे भगवान, और उसको हम कई बार अलग अलग एक्सप्रेशन में ना करने की कोशिश करते थे कि क्योंकि सर आपके डायलॉग इतने आइकॉनिक है कि वो सीधे बोले नहीं जाते, वो हम भी आप ही के अंदाज में बोलते हैं। जैसे अगर ये बोलना हो कि खुश तो बहुत हो गए तुम, ये हम नॉर्मल हम जानते ही नहीं इसको कैसे बोलते हैं, हम ऐसे ही जानते हैं जैसे हमने आपको सुना है बोलते हुए, तो हमारे लिए बड़ा एक्सरसाइज होता था कि इसको तोड़कर दूसरे इमोशन में कैसे बोला जाए। तो हम ये बड़ा कोशिश करते थे कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। सर हमको एग्जांपल दीजिए, मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। सर आपके सामने बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल आप निकलिए ना। तो एक हम कोशिश करते थे कि उसी इमोशन, आज खुश तो बहुत होगे तुम, आपने बड़े गुस्से में लिया था उस फिल्म में, करेक्ट, वो भी भगवान से गुस्से हो गए थे आप। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने कोशिश की थी कि बहुत हंसी आ रही हो और आज बहुत आज आज कुछ तो बहुत well done Vicky, wonderful, wonderful। हंसी आ रही हो तो कैसे किया जाए? ओके। और अगर आप बहुत दुखी हो, हाँ ओके ओके, आज खुश बहुत होगे तुम, कोशिश करते थे। थैंक यू, वेल डन, वेल डन विकी। पर कोई भी इमोशन में सर हम, सर अगर मान लीजिए ये आपकी फिल्म में ये आपकी हीरोइन है और आपका प्रेम है इनके साथ, तो ये डायलॉग कैसे बोलेंगे? उधर एक्टिंग चालू हो गई, आंख वाख खड़काना शुरू कर दिया। न्यूज़ अच्छी देती हूँ सब। कियारा, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाय हाय, वेल डन वेल डन। सर मैं वैसे ये बता दूं आपको, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये आपकी, ये बहुत से लोग इसको अपने एक्टिंग के जब सीख रहे होते हैं तो ये करते हैं।
सर हमको याद आ रहा है कि मैं प्रेम चोपड़ा जी के साथ एक फिल्म कर रहा था, तो होटल में ठहरे हुए थे, चेन्नई में शूटिंग हो रही थी, तो आमने सामने कमरे थे, तो मैं अपने कमरे में जा रहा था, मैंने सुना प्रेम साहब चला रहे, क्यों इतनी देर क्यों कर दी तुमने, ये टाइम है कहीं आने का? मुझे लगा यार कोई पहुंच गया है घर में और कैसे डांट वांट रहे हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत करते, मैंने कहा प्रेम आर यू ऑल राइट, हाँ यार सब ठीक है ठीक है। सर उन्होंने मुझे बताया कि ये आदत उनको दिलीप साहब ने बताई थी। अच्छा। कि कोई भी डायलॉग मिले उसे अलग अलग तरीके से बोलो, जैसे आप अभी कर रहे थे ना जी, तो उसमें एक कलाकार की जो हैसियत है वो बाहर आती है। वाह। मान लीजिए वो कह रहे थे कि भाई प्लीज सर मुझे अम्मा भूख लगी मुझे खाना दो जी, तो दिलीप साहब ने उनको बताया कि न केवल अलग अलग तरीकों से बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी बोलो। और दिलीप साहब को सर मैं बताऊं आपको, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, really? बंगाली, सब भाषाएं आती थी। जिन जिन डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया हो उनकी भाषा वो उन्होंने सीखी हुई थी। wow. तो वो ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे, और उस जमाने में वो गंगा जमुना कर रहे थे तो वो अवधि थी, तो पहले वो थे माँ बड़ी भूख लगी मुझे खाना दो, फिर वो सोचेंगे, वे कहेंगे अवधि में कैसे बोला जाए, ए अम्मा बहुत बहुत भूख लागा है हमका थोड़ा खाने का दे दो, बंगाली में बोल गए माँ खेदे पच्छे खबर दावा। फिर वो भाषा चेंज कर देंगे, तो कहेंगे आई माला भूख लाग लिया आए माला जवाला दिया। फिर वो उसको गुजराती में बोले भूख लागी छे मम्मा जवानू आपो जवानू आपो। और कई बार वो तमिल वगैरह में भी बोलते थे अम्मा यानी कि पसी के थे अम्मा। ओके विकी, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, आप कह रहे थे 5,000 पे आप अटक जाते हैं, यहाँ तो भाई साहब 10,000 हो गए जी, और ये खेल का पहला पड़ाव है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए आज आप 10,000 आप जरूर ले जाएंगे आज यहाँ, ठीक ठीक है, लेकिन भाई साहब मेरा ऐसा विश्वास है कि आप बहुत ऊपर जाने वाले। छठा प्रश्न, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर यह प्रश्न बना है। इस चित्र में दिखाए गए अभिनेताओं ने इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है? नहीं किया, एक साथ काम नहीं किया है। Which of these Hindi films have the actors shown in this image not appeared together in? वो ऑप्शंस में आएंगे, लेकिन पहले तस्वीर दिखाई जाए। नाम तो इनके आपको बताने की जरूरत नहीं है, और जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपके सामने, ए रामलखन, बी 1942 लव स्टोरी, सी परिंदा, डी तेजाब। आई थिंक तेजाब, क्योंकि रामलखन में साथ में काम किया है, परिंदा में साथ में है, 1942 लव स्टोरी में अनिल सर हैं, तेजाब में भी अनिल सर हैं, मुझे तेजाब लग रहा है, करें चांस ले। 80% शो। सर डी तेजाब, डी तेजाब सर। ऑलराइट, डी तेजाब को ताला लगाया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल सही जवाब है आपका, बच गए आप। अनिल कपूर है, जैकी श्रॉफ, 3 दशकों में एक साथ 12 से अधिक फिल्मों में काम किया इन्होंने। एक साथ 12 से अधिक फिल्मों में काम किया इन्होंने, और ये जो आपका उत्तर था बिल्कुल सही था, तेजाब में उन्होंने एक साथ काम नहीं किया। ऑलराइट, अब आएगा सातवां प्रश्न, 40,000 रुपये इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द
उन जहाजों का वर्णन करता है जिन पर ऐसे वाहन होते हैं जिनको चलाकर जहाजों पर चढ़ाया और उतारा जाता है. Which of these terms describes ships which carry vehicles that are driven on and off the ship on their own wheels? Okay, option suniye. A. Lift on stroke lift off. B. Roll on stroke roll off. C. Fly on stroke fly off. Ya D. Sail on stroke sail off. मुझे लग रहा है बी रोल ऑन रोल ऑफ. फ्लाई नहीं फ्लाई ऑन बट फ्लाई ऑन एंड ऑफ आल्सो हैज व्हील्स. आई डोंट नो आई एम जस्ट थिंकिंग. सेल नहीं लिफ्ट नहीं लग रहा. दो है. शुड वी गो विद बी रोल ऑन या आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर. आई एम आल्सो नॉट श्योर. शुड वी यूज अ लाइफलाइन? जी सर. यू फील इट? आई थिंक वी कैन सर. बी रोल ऑन रोल ऑफ. बी रोल ऑन लॉक किया जाए. लॉक कर दिया जाए जी सर. बी पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर. 40,000 जीत गया. रोल ऑन रोल ऑफ या रोरो फेरीज? आरओ आरओ रोरो ऑफ कोर्स. रोरो फेरीज मुंबई से अलीबाग जाती. करेक्ट. रोरो वहां से बना. मुझे पता भी नहीं था रोरो क्या. मैं एक्चुअली सर जब ये सवाल आया तो पहला थॉट मुझे रोरो ही आया. जी जी. यहां से मुंबई से मांडवा की एक रोरो है जो मैं कई बार ले चुका हूं पर मैं ये नहीं कर पाया कि रोल ऑन रोल ऑफ इज रोरो. अच्छा इज रोरो. रोल ऑन रोल ऑफ. ओह ये है. जल निकायों में वाहनों के सीमलेस ट्रांसपोर्ट की सुविधा देती है. आजकल ट्रेनों में भी ऐसे वैगन्स होते हैं. सर हमारी एक्चुअली हमने एक फिल्म की है गोविंदा नाम मेरा जो आ चुकी उसी है. उसी की बात करने जा रहा था. उसी में एक गाना है जो हमने रोरो पे शूट किया. ओह हाउ नाइस. और ये पहला गाना है जो रोरो पे शूट किया गया है. ओके ओके या. मेरे कैरेक्टर का नाम गोविंदा है और कियारा के कैरेक्टर का नाम सुक्कू है और हम साथ में रोल कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं. तो हम बैकग्राउंड डांसर्स की भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में और इसमें भूमि पेडनेकर भी है Okay, जो okay. मेरी वाइफ का रोल कर रही है. okay, okay. और ये कॉमेडी फिल्म है. इसमें खूब सारा डांस है क्योंकि हम डांसर्स प्ले कर रहे हैं और एक बीच में मर्डर होता है. oh. तो एक मिस्ट्री का रूप भी ले लेता है पर हमेशा एक हल्की फुल्की फिल्म रहती है. तो okay, जो okay. एक OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है. ये हमारा सपना है कि हम कोरियोग्राफर बने. जी, ऐसा होता है जीवन में बड़ा मुश्किल होता है जिस कार्य में आप एकदम सफल है उस कार्य को एक्ट करना. सर आप दोनों इतने खूबसूरत डांसर हैं क्या आप ताली बजाएंगे नहीं इनके लिए? सर एक सेकंड में वहां आना चाहती हूँ. सर मैं कब से देख रही हूँ आप इतने एनर्जी से आप ये शो चला रहे. यू नॉट हैड अ सिप ऑफ वाटर. ओह थैंक यू सर. अरे क्या बात है. सर थैंक यू सो मच. सर सर ये ना बटरिंग कर रही है. कूल बन रही है. ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है. मुझे बैकस्टेज भी बोल रही थी कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पर मैं कैसे बताऊँ कैसे जिताऊँ कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. पर एक्चुअली अगर मैं इनसे कुछ थोड़े सवाल भी पूछ लूँ ना आपकी फिल्मोग्राफी के बारे में कुछ फिल्मों के बारे में ये मुझे लग नहीं रहा ये दे पाएंगे जवाब. पूछ ले चल शुरू कर. सीरियसली? सीरियसली इसमें ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे और लाइफलाइन भी नहीं मिलने वाली. लाइफलाइन भी नहीं मिलेगी सर. पूछ ले सारा पता है मुझे. सर पूछ लूँ? हाँ जी बिल्कुल. ओके सही सवाल पूछिएगा भाई साहब. हाँ जी. ओके सर की फर्स्ट मूवी का नाम बताओ. सात हिंदुस्तानी. हाँ मुझे कैरेक्टर का नाम भी पता है अनवर अली अनवर. और ये तो सबको पता है विकी. ये बड़ा आसान सवाल था. कुछ डिफिकल्ट पूछो. इज द राइट आंसर. राइट आंसर सर. अच्छा मैं पूछती हूँ. अच्छा ठीक है पूछो. ओके पांच फिल्मों का नाम बताओ जिसमें सर ने विजय नाम का किरदार निभाया है. विजय नाम. दीवार. झुंड अभी आई थी. जंजीर. डॉन. विजय दीनानाथ चौहान. ओह गॉश यस एब्सोल्युटली राइट. वो सर क्या होता है मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा इंडस्ट्री में कोई एक नाम पे फिल्म बनती है और वो फिल्म चल जाती है तो उसके बाद जितने भी नाम होते हैं नामकरण होते हैं ना फिल्मों में आगे वो सब वही नाम डालते हैं. कह सर ये जब नाम रखा था तो पिक्चर चल गई थी यही नाम रख देते आप फिर से. तो मेरे ख्याल से एक प्रथा बन गई होगा. मैं एक और सवाल पूछूं सर? जी जी जी. अच्छा कोई भी दो ऐसी फिल्में बताओ
जिसमें बच्चन सर ने और जया मैम ने साथ में काम किया। अभिमान फेवरेट, सिलसिला मिली, शोले, चुपके चुपके। अच्छा बस बस आप कुछ कह रहे थे? That's very good, yeah. शुरू में पर अभिमान इज माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म थी। ब्यूटीफुल फिल्म्स। एक फिल्म और थी जो शायद आप लोगों को पता ना हो, थोड़ी देर काम किया था फिर मुझे निकाल दिया गया था उसमें से। सर गुड्डी। हाँ गुड्डी, गुड्डी जया की पहली पिक्चर। हाँ उसमें हमको लिया गया था एज हीरो, फिर 10 दिन के बाद ऋषिदा ने हमको निकाल दिया। क्यों? सच में? हाँ, देन समित भांजा थे बंगाल के, वो उनको मिली वो रोल। एक्चुअली हुआ ये था कि साथ में दो फिल्में बन रही थी, गुड्डी और आनंद जी। आनंद राजेश खन्ना के साथ एकदम, तो उन्होंने कहा कि ये राजेश खन्ना की वजह से बहुत बड़ी हिट होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि जो गुड्डी में उनके सामने जो कलेक्टर हो, बिकॉज शी इज़ अ फैन ऑफ धर्म जी जी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा जाना माना चेहरा जो है वो सामने आए उसके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आफ्टर 10 डेज ऑफ शूट यू लीव द फिल्म, आगे करेंगे और पिक्चर करेंगे और जैसे हम निकाल दिए गए, बट इट वॉज फॉर अ गुड कॉज, गुड रीजन। और फिर काफ़ी परिवर्तन हुआ। ओके ध्यान आ जाए आपका खेल के ऊपर, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। कियारा एंड विकी, ये रहा आपके वीडियो स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसने बिकमिंग और द लाइट वी कैरी नामक पुस्तकें लिखी है? हु अमंग दीज हैज रिटन बुक्स टाइटल्ड बिकमिंग एंड द लाइट वी कैरी? ऑप्शन सुनिए, ए मिशेल ओबामा, बी हिलरी क्लिंटन, सी ओपरा विनफ्री, डी मेलेनिया या मेलेनिया ट्रंप। सर मिशेल ओबामा, क्योंकि आई एम रीडिंग बिकमिंग, अस्यूमिंग द लाइट वी कैरी इज आल्सो बाय बिकमिंग। पक्का मिशेल ओबामा है ना? हाँ पक्का। पक्का ना? क्या करें? ए मिशेल ओबामा को लॉक किया जाए। ए मिशेल ओबामा पे कह रहे हैं थल लगा जाए, प्लीज लॉक ए इज द राइट आंसर। मिशेल ओबामा पूर्व यूएस राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, और बराक ओबामा ने कई बार मिशेल को अपनी सफलताओं का श्रेय दिया है। ओके नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी का नाम जेड अक्षर से शुरू होता है? विच ऑफ दीज कंट्रीज has a capital beginning with the letter Z? A Colombia, B Comoros, C Croatia, D Czech Republic. Whew. Colombia, Comoros, Croatia, Czech Ganaraj, A B C D. अगर आपको कष्ट हो रहा हो, लाइफलाइन तीनों आपकी जीवित है, उनमें से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। सर हम लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे और जी सर। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आई थिंक इट्स कोलंबिया। हाथ में रखिए और बचाइए इन दोनों। क्रोएशिया नहीं है। और आपका समय शुरू होता है अब। सी क्रोएशिया को सबसे ज्यादा प्रतिशत 57%। मुझे एक्चुअली लग रहा था सर क्रोएशिया नहीं है, पर विल गो विद द ऑडियंस। विल गो विद द ऑडियंस। ओके बताइए क्या किया जाए। क्रोएशिया को लॉक किया जाए। सी क्रोएशिया पे ताला लगाया जाए। Well played, audience, in the right answer. Well done. Thank you. Wow. Capital ka naam hai Zagreb. Zagreb. Zagreb, Croatia ki rajdhani hai. Colombia ki rajdhani Bogota. Comoros ki rajdhani Moroni. Aur Czech Republic Prague. Z. Sir, main abhi June mein Croatia mein shooting kar raha tha. Oh, in really? In a city named Dubrovnik. और मैं सोच रहा था और कौन से शहर के मैंने नाम सुने और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने जेड से कोई नाम सुना है, तो मुझे एक्चुअली लग रहा था मैं क्रोएशिया जा चुका हूँ, शायद क्रोएशिया तो नहीं है।
थैंक यू थैंक यू। तो मैंने एक किस्सा सुना है जी, सरदार उधम जी के डायरेक्टर सुजीत सरकार जी से, जिनके साथ आपने बहुत काम किया है जी जी जी, तो विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, जो मुझे आपसे पूछना था। तो ही वॉज सेइंग कि पिंक में जो आपका आपके कई मोनोलॉग्स थे उसमें, और एक जो बहुत फेमस हुआ था नो मीन्स नो, और उसमें वो कह रहे थे कि एक बार उसकी एक सर्टन पिच बहुत जरूरी थी, और उन्होंने बताया था कि उस पिच को लेके आप और सुजीता इतने पर्टिकुलर थे कि वही एक पिच पे वो लैंड होना चाहिए, कि रात को आपने कुछ 1-1.5 बजे सुजीता को फोन किया था कि सुजीत सुन, और आपने फोन पर वो पूरा मोनोलॉग सुजीता को परफॉर्म किया था फोन पर, और फिर सुजीता ने जब फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट की कि एक बार फिर से सुनाइए, आपने फिर परफॉर्म किया फोन पर, और फिर आपने वो शूटिंग जल्दी करवा के कुछ ऐसा, आप अगर उस बारे में बता सकें कि वो आप जब तक सेट पे आए थे तो कैमरास वर ऑलरेडी रोलिंग, और उस तरीके से कुछ शूट हुआ था। जी ऐसे ही हुआ था। वो एक्चुअली क्या था कि जो क्लाइमैक्स, अभी क्लाइमैक्स नहीं, जो एक लॉयर की हैसियत से वो महिलाओं के प्रति वो क्या कहना चाह रहा था जी, तो जब ये लिख करके आया जो मेरा समेशन था वकील के सामने, तो लंबी चौड़ी बहुत सारी लाइन्स थी उसमें, तो मैंने इसी सुजीत से कहा यार सब लोग इतना बोल रहे हैं, अब हम लोग क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे हैं, जनता जो है बोर हो जाएगी यार, फिर से भाषण सुनना पड़ेगा उनको, तो इसको क्यों ना एक कुछ संक्षिप्त में छोटा किया जाए। और मैंने कहा कि ये एक कैरेक्टर के हिसाब से जाता है, क्योंकि जब कभी भी इसको बोले कि जो भी वकील का नाम, डू यू हैव समथिंग टू से, तो मैं खड़ा होता था और कहता था नो योर ऑनर, बैठ जाता था जी। और वो जो तापसी पन्नू वगैरह लड़कियां थी जिन्होंने हमको हायर किया होता था, कहती सर आप बोलते क्यों नहीं है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि अगर ये आदमी पूरे फिल्म में कुछ नहीं बोला है, यहाँ अचानक इतना बोलने लगेगा, ये बड़ा अजीब लगेगा जी। दैट इज द टाइम व्हेन सुजीत एंड मी डिसाइडेड कि वो दो शब्द आने चाहिए, व्हेन अ वुमन सेज नो इट मींस नो, वाओ, नो मींस नो। ओके विकी एंड गेरा, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। दो लाइफलाइन बची है और आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इधर अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपए। ऑलराइट, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। एक दुखद घटना की स्मृति में हर वर्ष किस शहर में इस रोशनी से आकाश को आलोकित किया जाता है? इन विच सिटी आर दीज लाइट्स बीम्ड इन द स्काई एवरी ईयर टू कमेमोरेट अ ट्रेजिक इवेंट? तस्वीर दिखाई जाए। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए पेरिस, बी ब्रसल्स, सी हिरोशिमा, डी न्यूयॉर्क। डी न्यूयॉर्क। सर डी न्यूयॉर्क पे ताला लगाया। ओके, डी न्यूयॉर्क पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। ये जो रोशनी है ये हर वर्ष 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो, जहां पर दोनों बिल्डिंगें गिरी थी, से बीम किया जाता है, यानी वो जगह जहां पुराने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स थे, तो इसीलिए दो बीम्स हैं रिप्रेजेंटिंग द टू टावर्स। इसे ट्रिब्यूट इन लाइट कहा जाता है, ट्रिब्यूट इन लाइट, और ये बहुत ही दुखद घटना थी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, आप कह रहे थे 10 तो मिल ही जाने चाहिए ना, पाव जी चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000, ताली बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक फॉर अवनी द फाउंडेशन दैट इज वर्किंग फॉर किड्स। बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये टीवी पे ही देखा था आज तक। ओ आज तसल्ली हो गई, आज ये लाइव हुआ, मजा आ गया। सर आई नो इसके बाद बहुत मुश्किल सवाल हो जाएंगे, सीरियस सा मामला हो जाए, उससे पहले मैं एक चीज लास्ट शेयर करना चाहता था कि मैं तो फैन हूँ आपका, पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस बात की खुशी मेरे परिवार को बहुत ज्यादा है। ओ, ओके। और उसमें मेरे पिताजी खासकर
बहुत ज्यादा खुश हैं और सुबह से मुझे 10 फोन आ चुके हैं कि जाओगे तो मेरे ये रिगार्ड्स देना, मेरे वो रिगार्ड्स देना। जी जी जी। उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। ओ। मैंने कहा था आप ही अपने रिगार्ड्स एक बार स्वयं दे देना। ओ, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, तो अगर हम वो वीडियो आपको दिखा सके। Can we see that video, please? अमित पाजी नमस्कार। आज बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि विक्की पुत्र की वजह से मेरे को आपके बारे में कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। जो पहली बार उनको पर्सनली सामने से देखने का मौका मिला तो दैट वाज इन 1980 जब शूटिंग कर रहे थे लवारिस की, जब मैंने ऐसा भगवान रूपी अमित जी के दर्शन किए थे। उसके बाद मैं भी स्टंटमैन के तौर पर कुछ सीखना शुरू किया, तो जो इनको नजदीक से जानने का मौका मिला मेरे को मर्द की शूटिंग के दौरान। अमित जी ग्रेट एक्टर हैं, सबको मालूम है, पर अमित जी बहुत नॉटी भी हैं। 88 में गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई थी, फ्राइडे को रिलीज हुई और सेम डे हम लोग हेलीपैड पे शूटिंग कर रहे हैं तूफान की। तभी हेलीपैड से हम नीचे को देखें फिल्म सिटी की तरफ, देखा तो 15-20 लोग चलते हुए आ रहे हैं रोड पे। तो अमित जी सडनली, ओ मनिया भाग, देख जे पहले गंगा जमुना सरस्वती का शो देख के हमको ढूंढते हुए मारने के लिए आ रहे हैं, इतनी बेकार फिल्म बनाई है तूने। दैट वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। विक्की 2014 में मेरे को मिलने के लिए आया था युद्ध की शूटिंग में, when he was a struggling actor. और उसी दौरान अमित जी को वो लाइव में फर्स्ट टाइम मिला वहाँ पे, और अमित जी की ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद में मेरा करियर स्टार्टेड है। 2015 में इसको मसान और मिली। अमित जी ने मसान फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे के दिन रात को देखी और रात को हम लोग घर पे सो रहे हैं, 1 बजे अमित जी का मेरे को मैसेज आया मसान देखने के बाद शाम, आई कांट बिलीव इट इज हिज फर्स्ट फिल्म, ही इज सो गुड सो गुड सो गुड। माई गॉड, मैसेज पढ़ के तो आई फेल्ट लाइक क्राइंग। मैं तो विक्की को यही बोलना चाहूँगा, पुत्र जितनी ब्लेसिंग ले सकता हूँ उनके ले ले, मतलब ये भगवान के रूम में है यहाँ पे, पैर पकड़ ले, जफ्फी डाल ले और ब्लेसिंग्स ले उनकी। 2014 में ब्लेसिंग ली थी, कहाँ से कहाँ जर्नी चली है, आगे बहुत आगे जाएगी ब्लेसिंग, जितने सामने बैठे हैं तो ब्लेसिंग्स ले ले उनकी। सर मुझे याद है आपने एक कुछ आपके लाइफ में पल होते हैं जो जेन्युइनली मैजिकल होते हैं, और उनमें से एक ये था जब मुझे अभी भी याद है सर, दूसरे बेडरूम से रात के 1 या 1:30 बजे मुझे इतनी एक्साइटमेंट में आवाज आई थी, विक्की इधर आ इधर आ, तो मैं डर गया था कि क्या हो गया, और मुझे पापा ने सिर्फ फोन पकड़ाया था जिस पे आपका मैसेज था, और आपने सिर्फ मसान देखकर आपने जो लिखा था, जी जी, मेरे हाथ कांप रहे थे मुझे, और पूरी रात ये सोच के नींद नहीं आई कि ये मैसेज लिखने में, और मैंने वो मैसेज पूरा अपने फोन पे टाइप किया कि ये टाइप करने में ना 1.5 मिनट लगा है, तो बच्चन साहब ने अपनी लाइफ में 1.5 मिनट मेरे बारे में सोचा है। ओह गॉड। तो ये मेरे लिए वो रात, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था, और उसके बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि जर्नी की शुरुआत में आपकी ब्लेसिंग मिली, एंड गॉड हैज बीन सो सो काइंड एवर सिंस, बट जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, वो सब जेन्युइन है विक्की। थैंक यू सर। और मुझे सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये आपकी पहली फिल्म है। थैंक यू सर। इट वाज सो गुड एंड सो इमोशनल एंड सम ऑफ द सीन्स दैट यू डिड जस्ट अनबिलीवेबल। ओके विक्की एंड खैरा, चंद चीजें बता दें आपको। अब ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं। ओके। आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय ही समय है। दो तीन चीजें और हैं यहाँ पर। हमारा जो 17वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी का 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ का उसका द्वार खुल जाएगा। और एक तीसरा पड़ाव आपकी बार हमने इंट्रोड्यूस किया इस खेल में, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख 75 लाख धन अमृत पड़ाव। ओके, दो लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा क्योंकि अब धीरे धीरे प्रश्न थोड़े से कठिन होते जाएंगे। 11वां प्रश्न है, इसे खेलिएगा जरूर, बिकॉज ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी। कुछ गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। नवंबर 2022 में किस एकमात्र व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Who was named as the only recipient of the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award in November 2022? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A.
लक्ष्य सेन, बी निकट जरीन, सी अचंता शरत कमल, डी अविनाश सबले। लक्ष्य सेन, निकट जरीन, अचंता शरत कमल या अविनाश साबले। दो लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग किया जा सकता है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। समय समय आपके पास। सर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ना पता हो तो दो लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। जी मुझे निखत जरीन ऐसा लग रहा है कि हाल ही में न्यूज में ये नाम सुना है। निखत जरीन सर, आई थिंक वीडियो कॉल अ फ्रेंड। या वी वुड लाइक टू वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित किया जाए, क्योंकि खियारा और विकी जो है ये लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। तो ये लाइफलाइन अब अंकित हो गई। आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, वो तीन नाम यहां पर हैं, करण जौहर, आनंद तिवारी, रोनी लाहिरी। सब जाने माने पहचाने हुए दिग्गज हैं फिल्म इंडस्ट्री के। सर रोनी लाहिरी जी के साथ चल। रोनी लाहिरी, ओके रोनी लाहिरी, वीडियो कॉल लगाया जाए इनको। ये न केवल विकी के फ्रेंड हैं, बहुतों के फ्रेंड है ये। Come on, Ronnie, this is Amitabh Bachchan. Hello, sir, Malum. Come on, Ronnie, हमारे सामने विकी और कियारा बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। तो एक आवाज आएगी आपको, विकी आप बोलेंगे, विकी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। इसके लिए आपको मिलते हैं 45 सेकंड्स ओनली। ऑलराइट रोनी, रेडी? यप। अगली आवाज विकी की। विकी आपका समय शुरू होता है अब। सर, हु वाज नेम्ड एज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन नवंबर 2022? ए लक्ष्य सेन, बी निखत जरीन। द ऑप्शंस आर ए लक्ष्य सेन, बी निखत जरीन, सी अचंता शरत कमल, डी अविनाश साबले। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन नवंबर 2022। रिसेंटली नवंबर 2022। यस, लक्ष्य सेन, निखत जरीन, अचंता शरत कमल, अविनाश साबले। 10 सेकंड्स टू गो। लो, समय खत्म हो गया और कोई उत्तर नहीं मिला। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। सर 50-50। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर निकट जरीन मिट गई। सी अचंता शरत कमल या डी अविनाश साबले। आई फीलिंग अविनाश साबले। आई डोंट नो व्हाई, गट फीलिंग। गट। एक सही है जो देगा आपको 6,40,000 रुपया। एक गलत है, कहीं पढ़ा हो आपने, कहीं सुना हो। Could be अचंता also. I think because it's खेल रत्न अवार्ड इन नवंबर 20। अचंता शरत कमल। अचंता। क्या करना चाहिए? सर गट तो मेरी बी कह रही थी, वो गलत हो गई। अब गट मेरी अविनाश साबले कह रही, तो अब मेरा दूसरा गट कह रहा है कि पहला गट गलत हो गया, तो ये भी तेरा शायद गलत होगा। अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल। You wanna play? I mean we should play. Yeah. But should we play C? करें? Okay, sir. सर हमें और खेलना है। हाँ।
कहाँ जाना चाह रहे हैं? सी सी पे सी सर सी अचंता शरद कमल को लॉक किया जाए। सी अचंता शरद कमल पे ताला लगाया जाए। सर मैं ऐसे ही आ रहा हूँ आपके सामने से। सर ऐसे ही आप दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। सर मैं आपका भी हाथ पकड़ना चाहता हूँ। सर आप दोनों यहाँ आए हमारे शो में, हमको बहुत ही अच्छा लगा। एंड वी रियली सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। आई मीन यू नो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विकी एंड कियारा। थैंक यू सो मच सर। सर ये सही जवाब हो गया। शरद कमल भारत में दो दशकों से टेबल टेनिस के दिग्गज रहे हैं। टेबल टेनिस उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण जीते और एशियाई खेलों में भी पदक जीते हैं। अन्य 3 अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। वेल डन। 3 लाइफलाइन चली गई है। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए। आज आप बड़े गर्व के साथ जा सकते हैं घर और कह सकते हैं कि 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओके। सो हमारी जो पूरी जनरेशन है, आई थिंक आई नो दैट वी ऑल लुक अप टू यू सर। फॉर अस देयर इज अ रीजन योर मिस्टर अमिताभ बच्चन। अरे तो बात है तो बड़ी कोफ्त होती है घर हमें तरह की। इसमें हम लोग सब एक जैसे ही हैं। सर सबसे हम्बल सुपरस्टार अगर कोई है तो वो आप हैं। अरे नहीं एक्चुअली आप इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आप 12-12 घंटों की शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपने कभी किसी फैन को नाराज नहीं किया। अगर किसी ने पिक्चर के लिए फोटो मांगा है या फिर यहाँ पे आप 1 घंटा देते हैं अपने सारे दर्शकों को, फैंस को, उनको वो मोमेंट देने को कि दे फील कि वी गॉट टू मीट सर, वी गॉट टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। इतनी देर सुनिए मेरी बात, सुनिए अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कितने घंटों से ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पर चुपचाप, एक तस्वीर नहीं खींच सकते इनके साथ क्या? क्या बात है। इनके साथ जा करके थोड़ा सा समय बिता देंगे। I hope they get happy with it. That's all. Okay. They do, sir, and we do. And there's a reason you are who you are. इसीलिए हम आपको कुछ सारे दर्शकों को, everybody who's watching this, हम आप दिखाना चाहते हैं that why you are who you are. Oh gosh. So let's please गलत तो नहीं चपा दिया आपने? अमित जी, आपकी जिंदगी में KBC की क्या importance है? सबसे अच्छी बात यह है कि KBC के दौरान जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो जनता आती है, उनसे संपर्क करने का अवसर मिलता है। यहाँ हमें अवसर मिलता है कि उनके निजी जीवन के बारे में जान पाएं, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में सुन सके, किस तरह से वो खेलने आए हैं यहाँ, खासतौर से महिलाएं, इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि अक्सर अवसर मिलता नहीं है महिलाओं को। आप अमित दादा के बारे में क्या सोचते जो सच हो जाए अगर आपके पास ये? अगर मैं उनके बारे में सोचती, या आई वुड मेक हिम एन इमॉर्टल। अरे वाह, डर जाओ भाई साहब, इधर से फ्लाइंग किस आ रहा है। हाँ कौन बोल रहा है आई लव यू? आई लव ऑल ऑफ यू। अभी आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, घबराइए मत, वहीं रहिएगा, खुद के सामने मत आइएगा। आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। 2 लाइन अभी देखिए, ऐसा है देवी जी, खेल जब खत्म होता है ना तो हम सबके पास जाएंगे फोटो खींचने। 2 क्या 4 लाइन बोल दीजिएगा ऐसे ही क्या? देवी जी आपको कुछ चाहिए क्या? गर्म पानी वगैरह, खांसी के कुछ और पदार्थ हैं हमारे पास, भिजवाएं क्या आपके पास? देने जा रहे हैं हम आपके लिए, नहीं है उनके घर Thank you.
क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे हम खड़े हो गए आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या एंड विकी, आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, ओके? और इसके लिए आपको मिल सकते हैं 12,50,000 रुपए। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। लंदन में स्थित ये स्मारक किस समुदाय के सैनिकों को समर्पित है? दिस मेमोरियल इन लंदन इज डेडिकेटेड टू सोल्जर्स फ्रॉम विच कम्युनिटी? तस्वीर दिखाई जाए। विकी, अगर आप चाहें तो नजदीक जाकर के देख सकते हैं। देख सकते हो? यस, यू कैन वॉक अप एंड सी इट। ओके, ओके, यप। ऑप्शंस ए डोगरा, बी गोरखा, सी सिख या डी नागा। सर जो बी गोरखा लग रहा है, ओके, क्योंकि इस पिक्चर में नीचे दो खुखरी का साइन मैं देख पा रहा हूं, जो गोरखा रेजिमेंट का उनका एक वेपन होता है। ओके, क्या करना चाहेंगे? फिर भी गोविंद गोरखा। सभी गोरखा लॉक कर दीजिए। बी गोरखा पे ताला लगाया जाए। गोरखा इस तरह की टोपी पहनते हैं सर? सर ये मुझे लग रहा है ये पहले का है, क्योंकि आई थिंक इंडिया अपना ब्रिटिश आर्मी के वक्त जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी में होते थे, तो आई थिंक उसमें वो गोरखा रेजिमेंट जो थी वो शायद अपने साथ ले गए थे, या दे यूज टू रियली डिपेंड ऑन गोरखा रेजिमेंट। ओके, तो आई थिंक उनके ऑनर में इसलिए हो सकता है लंदन में। 12,50 जीत गए आविंदर राय आप सर। ये जो है ये लंदन का गोरखा मेमोरियल है, गोरखा मेमोरियल है ये लंदन में। इस पर लिखा है द गोरखा सोल्जर, bravest of the brave, most generous of the generous, never had country more faithful friends than you. गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत ही प्रचलित बात है जी। इस चित्र में आपको दो खुखरिया, जैसे कि आप कह रहे थे, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब आ गया है 12,50 और आएंगे हम 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 25,00,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं। प्रश्न का उत्तर अगर आप ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। '80 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर प्रदान किया था? Which Indian presented the Oscar for best documentary feature in the year 1980? Option suniye: A. Persis Khambata, B. Satyajit Ray, C. Bhanu Athaiya, D. Ashok Amritraj. Sahi uttar denge aapko 25 lakh. गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3:20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। सर मुझे बी सत्यजीत रे लग रहा है, पर भानु अथैया जी ने गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम जीता था, तो आई हैव अ क्लियर मेमोरी ऑफ हर बीइंग ऑन द स्टेज ऑफ ऑस्कर। दिस इज कीक व्हिच इंडियन प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड यस। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सत्यजीत रे जी को आई थिंक एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का एक अवार्ड दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपनी। आई डोंट नो इफ ही इज एवर बीन ऑन एन ऑस्कर स्टेज। भानु अथैया जी
गांधी किस साल में रिलीज हुई थी, किस साल में आई थी? बिकॉज हो सकता है कि जिस साल वो जीती थी उसी दौरान उसी फंक्शन में उनको एक अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए भी बुलाया गया हो स्टेज पे. आई एम जस्ट नॉट श्योर. सत्यजीत रे कभी ऑस्कर स्टेज पे खुद गए हो? ए और डी का तो मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ. हो भी सकता है, बट विच इंडियन, अनलेस इट्स एन इंडियन हु इज बेस्ड इन अमेरिका, जो इंडिया से ना हो, ही इज एन अमेरिकन रेजिडेंट. आई डोंट नो इफ पर्सिस कंबाटा वाज एन अमेरिकन रेजिडेंट या अशोक अमृतराज. गांधी किस साल में आई थी? आई थिंक इट वाज 80 नहीं था वो, 83 था आई थिंक. मुझे लग रहा है कि अगर तो 1983 में गांधी आई थी तो देन सी इज आउट, भानु अथैया नहीं होंगी. सत्यजीत रे फॉर सम रीजन आई एम फीलिंग दैट ही नेवर गॉट टू एक्चुअली बी ऑन स्टेज, बिकॉज जब वो वीडियो उन्होंने बनाई थी तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं हमेशा से वेट करता था कि ऑस्कर मुझे बुलाएगा या ऐसा कुछ उन्होंने बात की थी कि पर मैं कभी आ नहीं पाया, बट अब मैं वीडियो के द्वारा आ रहा हूँ. हो सकता है फिर इन दोनों में से नहीं हो और पर्सिस खंबाटा हो जो मुझे विल बी अ वाइल्ड गेस देन. बट वी कम हियर, वी शुडंट. 1250 वी ड्रॉप टू 320. अशोक अमृतराज, किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर प्रदान किया था? सर क्विट करने का मन नहीं कर रहा और खेलने का मन भी कर रहा है और ये भी ख्याल आ रहा है कि अवनी फाउंडेशन के लिए और ज्यादा एक राशि. उसके लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा. वो राशि कम भी ना हो जाए. 100% श्योर तो नहीं है. क्विट सर, हम 100% श्योर नहीं है. कुछ कुछ थॉट्स हैं बट आई थिंक इट्स टू रिस्की टू ओके प्ले, तो हम क्विट करना चाहेंगे सर. ओके ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें. 12:50 आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए. और ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी आपके अकाउंट में. ये आपका यहाँ नाम आ गया, अवनी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 12,50,000 छाप देंगे इसके ऊपर. 12,50,000 छप गए, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी समय इसी वक्त वो बैंक अकाउंट में पहुंच गया बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बहुत बहुत बधाई. क्या आडवाणी, विकी कौशल, थैंक यू सो मच. सर इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए. ए पर्सिस खंबाटा. ऑलराइट, ए पर्सिस खंबाटा, ताला लगा जाए. सही जवाब. इट वुड हैव बीन द राइट आंसर. पर्सिस खंबाटा 1980 अवार्ड सेरेमनी में विलियम शैटनर के साथ पर्सिस खंबाटा ने बेस्ट बॉय के निर्देशक को ऑस्कर प्रदान किया था. पर्सिस खंबाटा पहली भारतीय थी जिन्होंने ऑस्कर प्रदान किया था. पर्सिस खंबाटा शायद आप जानते हो को स्टार टेक फिल्म में उनके रोल से प्रसिद्धि मिली थी. ऑलराइट, बट नेवर माइंड, आप 12:50 जीत गए. एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं के लिए. ऑलराइट, सही समय पर सर हुटर बज गया है कि नहीं. खेल की समाप्ति की सूचना आ गई है तो खेरा एंड विकी हम आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे. तालियां बज जाए इनके लिए. कम खेरा एंड विकी.